आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एक किसी के बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी का चांस हो सकता है। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया वक़ार है और मैं पिछले 12 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जिन ख़वातीन का पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ हो वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं या नहीं। ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि जिन पेशेंट्स का एक दफ़ा फर्स्ट किसी एक प्रेगनेंसी में बड़ा ऑपरेशन हो जाता है वो अक्सर सवाल करती हैं कि हम अगली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इसका जवाब यह है कि बिल्कुल जा सकते हैं। 70% चांस है कि वो नेक्स्ट टाइम एक ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी हो सके उनकी। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को असेस करना इम्पॉर्टेंट है जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट असेस करेंगी। वो ये डिसाइड करेंगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकती हैं या नहीं ले सकती, क्योंकि उसके कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। लेकिन आम तौर पे जिन वजह से पिछला ऑपरेशन हुआ होता है उससे डॉक्टर डिसाइड करती हैं कि आप नेक्स्ट टाइम और इस करंट प्रेगनेंसी में कोई आपकी कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसकी बेस पर डिसाइड किया जाता है कि आप इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकती हैं कि नहीं ले सकती। और आमतौर पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि ये ट्रायल हमेशा हॉस्पिटल में लिया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप घर में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करें एक बड़े ऑपरेशन के बाद, क्योंकि इसमें कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होती हैं जिसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और वो एक हॉस्पिटल सेटअप में ही हो सकती है। जैसे कि खुदा न खास्ता इसमें पिछले स्टिचेस खुलने का डर होता है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते हैं जब हम एक पेशेंट जिसका पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ हो उसको हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दें। लेकिन अगर एक प्रॉपर सेटअप में बच्चे की हार्ट की मॉनिटरिंग के साथ और पेशेंट की मॉनिटरिंग के साथ हम अगर ट्रायल दें तो 70% चांस है कि आप इस दफ़ा नॉर्मल डिलीवर हो सकें। आप अगर आपका पिछली प्रेगनेंसी में बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें कि इस करंट प्रेगनेंसी में आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम आपके 9 मंथ कम्प्लीट होने तक वेट कर सकते हैं कि आप खुद से लेबर में जाएँ। क्योंकि खुद से अगर आप लेबर में जाएंगी तो हम आपको ट्रायल दे सकते हैं, इंडक्शन या आर्टिफिशियल पेंस की तरफ हम नहीं जा सकते। वो पॉसिबिलिटी नहीं होती इस केस में जैसे उन केसेस में होती है जहाँ पर पिछली दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है। तो इसलिए अगर आपका पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ हुआ है तो इस बारे में ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ताकि आप बाकी नेक्स्ट सिजेरियन के बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। क्योंकि जब दो बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं फिर नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं रहता और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस भी ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में बढ़ जाती हैं। सो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और अगर वो समझती हैं कि आप इस दफ़ा ट्रायल ले सकती हैं तो आप बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ज़रूर लीजिए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन या फिजिकल इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट के लिए तो आप मरहम के ऐप या मरहम.pk के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।